हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फरहान, आप देख रहे हो टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो हाँ मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 9 Pro Plus की। तो मेरे भाई, इसकी लॉन्च डेट बताऊंगा, डिस्प्ले, बैटरी, सारा सब कुछ, फिंगरप्रिंट सेंसर, क्या कुछ इस फोन के अंदर यूज किया गया है, सारा सब कुछ बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट मेरे भाइयों। सबसे पहले हम भाइयों यहाँ पे डिस्प्ले देख लेते। डिस्प्ले मेरे भाइयों निकल के आए 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मेरे भाइयों, प्लस 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट भी इसके अंदर मेरे भाइयों डिस्प्ले के अंदर, और सुपर एमोलेड भी है। तो ये तो भाइयों काफी सही बात है मेरे भाइयों। अगर हम दूसरे फ्यूचर की अगर हम इसके बात करें, तो वो निकल के आया है मेरे भाइयों बैटरी, ये होगा 4500 mAh का, प्लस 65 वॉट का चार्जर। भाई ऐसा बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर, 35 मिनट के अंदर ही जो आपके फोन को 0 से 100 चार्ज कर देगा। तो हाँ, बहुत ही जबरदस्त है। और हाँ मेरे भाइयों, अगर हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, मतलब मेरे भाइयों बहुत ही सही बात है ये भी। इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड चाहिए या डिस्प्ले, मुझे बताना नीचे कमेंट में। और हाँ मेरे भाई, यहाँ पे हमारा हम परफॉर्मेंस की बात करें, जीपीयू की बात कर ले इस फोन के, तो जीपी निकल के आया माली G68MC4, तो बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। और सीपीयू की अगर हम बात करें, तो ऑक्टा कोर 2.5 GHz के ऊपर बेस्ड है। हाँ मेरे भाई, तो ये भी बहुत ही जबरदस्त यूज किया गया है सीपीयू जीपीयू। और अगर हम भाइयों मेन चीज की बात कर ले, तो प्रोसेसर निकल के मेरे भाइयों आया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920। तो ये भी काफी सही है मेरे भाइयों, बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर भी यहाँ पे यूज किया गया है मेरे भाइयों। और अगर हम अभी इस फोन के स्टोरेज वेरिएंट के अंदर अगर हम चले, मेमोरी और स्टोरेज देख ले, तो मेरे भाइयों 6 GB के रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तो हाँ मेरे भाइयों, एक्सपांड भी आप इसे कर सकते हो, मेमोरी एक्सपेंड का भी ऑप्शन आपको मिला गया है फोन के अंदर। और हाँ मेरे भाई, इसके अंदर रैम कौन सी यूज करी गई है और स्टोरेज, ये भी मेरे भाई हम देख लेते हैं। तो रैम यहाँ पे यूज करी गई है मेरे भाई LPDDR4X रैम, और स्टोरेज अगर हम देखें UFS 2.2, तो ये भी बहुत ही जबरदस्त चीज है मेरे भाइयों। आपको ये फोन यहाँ तक के कैसा लग रहा है मुझे बताना नीचे कॉमेंट में। और हाँ मेरे भाइयों, ये फोन जो है 5G स्मार्टफोन होगा, ऑब्वियसली मेरे भाइयों अब तो यहाँ से सब 5G स्मार्टफोन ही आएंगे। और अगर अब हम भाइयों इसके सेल्फी कैमरा की बात करें, तो सेल्फी कैमरा यहाँ पे निकल के आया है 16 मेगापिक्सल का। हाँ, तो ये भी जबरदस्त है मेरे भाइयों। सेल्फी कैमरा और थोड़ा बड़ा भी हो सकता था मेरे भाइयों, 32 मेगापिक्सल का दे देते दे, तो वो भी सही मेरे भाइयों। नंबर से कुछ नहीं होता, काम अच्छा करना चाहिए बस यहाँ पे। तो हाँ मेरे भाई, अगर हम बैक साइड कैमरास की बात करें, तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप निकल के आए। मेन जो सेंसर होगा भाई 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड जो होगा मेरे भाइयों 8, और डेप्थ जो होगा 2 मेगापिक्सल का। अब मेरे भाइयों यहाँ पे निकल के आती है लॉन्च डेट। तो हाँ मेरे भाइयों, ये फरवरी के मंथ के अंदर ही लॉन्च होने वाला, मतलब के इसी महीने में। बट भाइयों, इन्होंने जो अभी डेट नहीं बताई है कि कौन से तारीख को लॉन्च होगा, बट इसी महीने में इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, माधव शेट्टी जी ने भी ट्वीट कर दिया है। तो हाँ मेरे भाइयों, यही सारा सब कुछ था इस फोन के अंदर, प्राइस भी अभी नहीं निकल के आई है। तो यही सारा सब कुछ था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।